राम राम जी आप सबको, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं देखो आपको ये मोती लगाना सिखाऊंगी। बच्चे के कार्डिगन में लगा लो, लेडीज़ कार्डिगन में लगा लो, कहीं भी लगा लो, सारी जगह अच्छा लगेगा। ये एक डिजाइन, ये पांच फंदे का बनेगा। अगर आपने छः का बनाना, छः का बना लो। जैसे ये मोती लगा रखा है, ये तीन फंदे का डिजाइन है, फिर आगे दो फंदे उल्टे, फिर तीन फंदे का डिजाइन, दो फंदे उल्टे, तीन का डिजाइन, दो उल्टे, तीन का डिजाइन, इस तरह बना रखा है। यो अगर आपने उल्टे तीन रखने, तीन रख लो, एक रखना एक रख लो, चार पांच कितने भी रख लो इसमें। अब यो उल्टी सिलाई में डिजाइन शुरू करना हमने। ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। उल्टी साइड में दो फंदे हम सीधे बना लेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, पांच फंदे का डिजाइन हो गया ये। दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, छह का बनाना है तीन उल्टे कर लो, सात का बनाना है चार उल्टे कर लो। ये जो मोती डाल रखा है, ये डिजाइन हमारा तीन फंदे का बनेगा। बच्चे के कार्डिगन में डाल लो, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, लड़कियों के टॉप में, कहीं भी डाल लो, सारी जगह अच्छा लगेगा ये डिजाइन। अब आ गई दूसरी सिलाई, सीधी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हमने जो फंदे उल्टी में सीधे थे उनको उल्टा बना देंगे, और जो उल्टे थे उनको सीधा बना देंगे। अब ये फंदे हमारे इस तरफ सीधे हैं, उल्टी साइड, ये सीधी साइड उल्टे हो गए, और ये तीन फंदे हमने उल्टे बनाए थे, अब ये सीधे हो गए। दो उल्टे, तीन सीधे, सॉरी तीन सीधे नहीं बनाने हमने। अब बनाना हमने जो दो उल्टे बना दिए, अब ये तीन फंदे, इनका डिजाइन बनेगा हमारा। ये तीसरा फंदा ऊपर को उतार देंगे, एक फंदा कम हो गया यहाँ। अब ये जो कम होया ये फंदा हमने यहीं बनाना है। एक फंदा बना दिया, फिर ऐसे लपेट के बना लो, या तो लपेट के जाली बना दी और ये फंदा बना दिया। तीन फंदे के मारे तीन ही फंदे हो गए। फिर आगे दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर पीछे धागा करके ये फंदा ऊपर को उतार देंगे, और एक फंदा सीधा, या फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बनानी है, मतलब हमने फंदा बढ़ाना है। इस तरह बना लो, आपको अगर इस तरह ठीक लगे तो इस तरह बना लो, ये वाला ठीक लगे तो ये बना लो। फिर अपनी तरफ धागा करके एक दो, दो फंदे उल्टे, फिर ऊपर को उतार के यूँ, एक फंदा कम हो गया, और ये फंदा हमने यहीं बढ़ाना है। ऐसे लपेट के बढ़ा लिया, और ये फंदा आगे अगला फंदा सीधा बना दिया। फिर अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे, पीछे धागा करके ये तीसरा फंदा उठा कर ऊपर को उतार दिया, एक फंदा सीधा बना लिया, और ये अपनी तरफ धागा करके ये जाली भी हम इस तरह बना सकते हैं। दोनों तरीके बता दिए, या लपेट के बना लो या ये जाली बना लो। फंदा बढ़ेगा और जाली बनेगी, लपेटने के बाद भी हमारी जाली बनेगी जहाँ फंदा बढ़ रहा है, और इस तरह अपनी तरफ धागा करके बना लेंगे तो भी हमारी जाली बनेगी और फंदा भी बढ़ेगा। दो के ऊपर को उतार दिया, एक फंदा सीधा, फिर जाली बना के एक फंदा और सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके दोनों फंदे उल्टे। अब ये दो सिलाई होगी। अब तीसरी सिलाई उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई सारी इस तरह उतरेंगी, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, पीछे धागा करके दो फंदे सीधे, जो सीधे फंदे देखो इनकी लाइन लग दिखा हमने बनी हुई, ये सीधे हो गए, और जो जिसमें मोती डालेंगे अब ये फंदे हमारे उल्टी साइड में उल्टे हो गए। दो सीधे, फिर तीन फंदे उल्टे। अब जो ये धागा जैसे गांठ लग रही है, इसको हम यूं दबा दबा के आगे ले कर जाना है हमने इसको। दो फंदे सीधे, ये दिखे भी नहीं गा, जोड़ लग रहा है यहाँ, और देखो ऐसे दबा के
तीन फंदे उल्टे, फिर पीछे धागा करके दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, फिर पीछे धागा करके दो फंदे सीधे। तीन सिलाई होगी। अब आ गई चौथी सिलाई, सीधी सिलाई। अब चौथी सिलाई में हमने मोती डालना है। किस तरह डालना है तो ये देखना किस तरह डालूंगी। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अब देखो जो उल्टे फंदे दिखाई दे रहे वो उल्टे बना देंगे हम। पीछे धागा करके अभी ये तीन फंदे इनमें मोती डालना है बीच वाले पे। एक सीधा बना लिया और मोती हमने ये उसके साथ डालना है इसके क्रोशिए। अब मोती हमने क्रोशिए के साथ डालेंगे। देखो कैसे डालूंगी ये मोती, यूं करके पहले क्रोशिए में डाल लेंगे। यूं ये क्रोशिए में डाल लिया, फिर हम ये फंदा जो ये पकड़ लेंगे यूं, और ये मोती हम यूं करके इसके बीच को ये फंदा पकड़ लिया हमने, और ये इस तरह लिया है हम खींच कर। यूँ करके हमने ये निकाल लिया बीच को, और फिर सिलाई में डाल लिया यूँ। देखो ये फंदा हमने बनाना नहीं है, सिलाई में डाल दिया, इसमें डाल के बनाना नहीं है। ये खींच दिया हमने क्रोशिए था तो ये लंबा हो गया। अब ये फंदा बना देंगे हम, ये छोड़ दिया यूँ का यूँ। देखो फिर अपनी तरफ धागा करके ये दो फंदे हैं जो ये उल्टे बना लिए, और पीछे धागा करके अब ये तीन फंदे आ गए, तीन बना दिए, सॉरी ये दो बना दिए उल्टे, और ये फंदा हमने सीधा बना दिया बीच बीच वाले पर डाल लेंगे। एक सीधा ये बना देंगे, एक सीधा ये, जो उनसे पे हमने मोती डालना है वो फंदा नहीं हम बनाएंगे, खाली मोती डाल कर छोड़ देंगे। अब देखो ये इसमें मोती डाल लिया, और जो ये फंदा है ये इसमें पकड़ कर यूँ इसके बीच को निकाल लेंगे। देखो ये निकाल दिया, और ये फिर यूँ पकड़ लेंगे। बनाना नहीं है ये फंदा, फिर आगे वाला बना लिया, फिर दो फंदे उल्टे। अब ये चौथी सिलाई है, सीधी सिलाई है, फिर आगे सीधे फंदे आगे जो उनमें तो एक फंदा सीधा बना देंगे, और जो ये बीच वाला फंदा इस पर हमें मोती डाल देंगे। अब देखो ये मोती पहले इसमें क्रोशिया में डाल लेंगे यूँ, और फिर ये फंदा पकड़ लेंगे। आप क्रोशिया जैसे मोटा मोती है तो मोटा क्रोशिया डाल लो, अगर और भी ज़्यादा पतला लगाना तो पतला क्रोशिया ले लो। मैं ये जो पतली उनका क्रोशिया आकर है, या धागे की लैस लूस बनानी है हमने, ये बारीक वाला क्रोशिया ले रही हूँ मैं, 11 नंबर वाला। देखो अब ये फंदा आगे वाला यूँ बना देंगे, फिर अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे, पीछे धागा करके एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर बीच वाले पे हम ये मोती लगा लेंगे। अगर आपने रंग बिरंगे मोती लगाने हैं तो मोती तो कैसे भी लगा लो, किसी भी रंग के लगाओ वो आपकी मर्जी है। ऐसे अब ये फंदा हमें यहाँ तक पकड़ कर वापिस सिलाई में डाल लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, पीछे धागा करके एक फंदा सीधा। अब इस पर डालना हमने, इस पर मोती डाल देंगे, ये यूँ डाल लेंगे, फिर ये फंदा यूँ करके पकड़ के और बीच को निकाल लेंगे। यूँ सिलाई से नहीं निकलेगा ये, क्रोशिए था, ये निकालना पड़ेगा ये फंदा। यूँ कर लिया, फिर एक फंदा सीधा,
और दो फंदे उल्टे। अब ये चार सिलाई होगी और हमारा एक डिजाइन पूरा हो गया। यही चार सिलाई हम बार बार बनाएंगे तो देखो ऐसा डिजाइन बनेगा, कितना सुंदर लग रहा है। बच्चों के कार्डिगन में ऐसे ऐसे डिजाइन अच्छे लगे हैं। थोड़ा बड़ा मोती डालना बड़ा डाल लो, छोटा डालना छोटा डाल लो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।